राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींचं नाव न घेता आज खासदार किरीट सोमय्या यांनी या दोघांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केलाय. ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्यात लाचखोरीचा आरोप मायकेल गेस्केच याचे आणि राहुल गांधींचे आर्थिक संबंध असल्याचा पुरावा असल्याचं किरीट सोमय्या यांनी म्हटलंय. MRMGF या कंपनीत गेस्केचं संचालक मंडळावर होता. याच कंपनीकडून राहुल गांधींनी दुकानाचे गाळे विकत घेऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केलाय. आपके माध्यम से सरकार के सीबीआई और ईडी के ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं कि जो हेलीकॉप्टर घोटाले में जो इन्वॉल्व पाए गए हैं मिस्टर हस्के और एडवोकेट गौतम खैतान, जो हिंदुस्तान की दूसरी अन्य कंपनियों में भी इसी प्रकार से इन्वॉल्व पाए गए हैं, वहां पर भी उन्होंने इस प्रकार के करप्ट प्रैक्टिस उनकी पाई गई है. ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सेबी का प्रोस्पेक्टस है जिसमें सितंबर 2009 में ये दोनों MRMGF में डायरेक्टर थे. MRMGF ने लोगों को किस प्रकार से करप्ट किया कि मेरे एक सहयोगी को जो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है उनको दुकानें लेना और बेचना इस प्रकार के काम धंधे में लगा दिया. और दुकान हाँ स्किल डेवलपमेंट 50 लाख रुपया खुद का डालो और 3 साल में 5.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करो. पहले हमने सुना था कि जीजाजी इस प्रकार से धंधा करते थे हरियाणा में, लेकिन अभी साले साहब भी यहाँ इस प्रकार का धंधा करने लगे. मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट उपस्थित है, डॉक्यूमेंट और इस प्रकार का. तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से ईडी और सीबीआई ने यह हस्के की और उनकी गौतम कैतान की सभी एक्टिविटी जो जो कंपनियों में इन्वॉल्व थे MRMGF ने किस प्रकार से किकबैक साले साहब को दिया, वो साले साहब का किकबैक सब जनता के सामने आना चाहिए. काय आहे ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. जानेवारी 2014 मध्ये भारत VIP साठी वापरले जाणारे MI-8 हेलिकॉप्टर जुने झाले म्हणून 1999 साली भारतीय वायुदलाने VIP साठी MI-8 हेलिकॉप्टर बदलण्याचा प्रस्ताव दिला. 2006 मध्ये VVIP हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्यात आलं. नवीन हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी इटलीतील ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीची निवड करण्यात आली. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने फिनमेकानिका कंपनीकडून 2010 साली 3600 कोटी. फिनमेकानिका ही ऑगस्टा वेस्टलँडची मातृ कंपनी असून यात इटली सरकारची 30% भागीदारी आहे. मात्र 2012 साली या व्यवहारात मोठी लाचखोरी आणि घोटाळा झाल्याची ओरड झाली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने याबाबतची माहिती इटलीतील भारतीय दूतावासाकडून मागवली. 12 फेब्रुवारी 2013 इटली पोलिसांनी फिनमेकानिका कंपनीच्या तत्कालीन प्रमुखाला अटक केली. यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला या डीलची बाकी रक्कम देण्यावर रोक आणली. मार्च 2013 सीबीआयने माजी वायुदल प्रमुख SP त्यागींसह 12 लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. जानेवारी 2014 भारत सरकारकडून ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरवर डील रद्द झाली. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.